पंजाब के पॉपुलर सिंगर और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला की डेथ के बाद से ही लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जिस तरह से उन्हें शूट किया गया इतनी बार और जिस तरह से उनकी हत्या कर दी गई, फैंस इस चीज़ को इतनी आसानी से नहीं लेने वाले हैं और वो सिद्धू मूसेवाला के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। मंडे को एक FIR लॉन्च की गई जो कि सिद्धू मूसेवाला के फादर बलकौर सिंह ने डाली थी, जिसमें उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से सिंगर को बहुत से थ्रेट मिल रहे थे अलग अलग गैंग से और उनकी डेथ के पीछे इंटर गैंग राइवलरी को वजह बताया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला संडे को अपनी महिंद्रा थार जीप में निकले थे अपने नेबर गुरविंदर सिंह और कज़न गुरप्रीत सिंह के साथ। जब से उन्हें थ्रेट्स दिए जा रहे थे तब से वो अपनी बुलेट प्रूफ कार में ही निकलते थे, लेकिन उस दिन वो थार में निकले, जिससे एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी को भी कम किया गया था। सिद्धू मूसेवाला के फादर ने एक लेटर भी लिखा है CM को, जहां उन्होंने रिक्वेस्ट की है NIA प्रॉप की और CM ने इस लेटर को कंसीडरेशन में भी लिया है। इसके अलावा एक गैंग लीडर गोल्डी ब्रार का नाम बार बार सामने आ रहा है, जिसने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करके इस हादसे का जिम्मेदार खुद को बताया है। उसका मानना है कि ये जो मर्डर हुआ है इसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। बात करें सिद्धू मूसेवाला के फैंस और सेलिब्रिटीज की, तो फैंस तो उनके घर के बाहर इकट्ठा हो ही चुके हैं। आज शाम को 6 बजे हॉस्पिटल से गुरुद्वारे तक एक शांति मार्च भी निकाला जाएगा। इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज हैं जो उनकी डेथ को मौन कर रहे हैं। विकी कौशल, वरुण धवन से लेकर ड्रेक तक सभी ने इस बारे में ट्वीट या फिर स्टोरीज शेयर करते हुए उनकी फैमिली को कंडोलेंसेस दी है। मीका सिंह ने भी एक वीडियो शेयर की है सिद्धू मूसेवाला के साथ और साथ ही उन्होंने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहे हैं कि वो एक पंजाबी हैं।